जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी लगातार जारी हैं। पिछले दो साल के मुकाबले इस वर्ष वन मंडल धर्मशाला में अब तक सबसे अधिक आग में लगने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं में करीब 65 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। अब तक वन मंडल में 200 से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गौरतलब है कि वन मंडल धर्मशाला के अंतर्गत 72 फॉरेस्ट बीट हैं। इनमें से 44 बीट अत्यधिक संवेदनशील हैं। हालांकि अन्य बीट्स में भी आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील बीट्स में ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। पिछले दो वर्ष की बात करें तो इतनी अधिक संख्या में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आई थी। इस बार जंगलों में आग लगने की अधिक घटनाओं का कारण एक तो तापमान में बढ़ोतरी है, जबकि दूसरा लोगों द्वारा बरसात में अच्छे घास के लिए लगाई जाने वाली आग है। वन विभाग का कहना है कि यदि लोग वन क्षेत्र की पगडंडियों से गुजरते हैं तो ध्यान रखें कि माचिस, बीड़ी, सिगरेट ना फेंकें और जंगलों में आग ना लगाएं। जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी जंगलों की आग से नुकसान पहुंचता है।